हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सिग्नल सिस्टम का चैप्टर वन बेसिक में एलएनबी ओपेनियम का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एलएनबी ओपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 1.41 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.41 में बोल रखा है, कंसीडर एलटीआई सिस्टम एस विथ इनपुट एक्स एन एंड आउटपुट वाई एन। इसकी टाइम सिस्टम है, इनपुट आउटपुट में रिलेशन गिवन है वाई एन इक्वल टू एक्स एन मल्टीप्लाइड बाई एक अलग से कोई फंक्शन ले रखा है जी एन प्लस जी एन माइनस वन, और जी एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी है। एक में जी एन इक्वल टू वन दे रखा है, दूसरे में जी एन इक्वल टू एन दे रखा है, और तीसरे में जी एन इक्वल टू वन प्लस माइनस वन टू डिपावर एन दे रखा है। तो अलग अलग वैल्यू जी एन की दे रखा है, तो अलग अलग वैल्यू पुट करने पे ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सिस्टम बनेगा। इन सभी सिस्टमों को चेक करना है टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, मतलब पहले वाले में तो शो करना है टाइम इनवेरिएंट है, दूसरे में शो करना है कि नॉट टाइम इनवेरिएंट है, और तीसरे में शो करना है कि ये टाइम इनवेरिएंट है। तो जी एन की हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, पहले वाले में जी एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे टाइम इनवेरिएंट है या नहीं। दूसरे वाले में जी एन की वैल्यू एन पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे टाइम इनवेरिएंट है या नहीं। तीसरे वाले में जी एन की वैल्यू वन प्लस माइनस वन टू डिपावर एन पुट करके फिर चेक करेंगे कि टाइम इनवेरिएंट है या नहीं। इस तरीके से ये तीन पार्ट में प्रॉब्लम बनेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। ए पार्ट हम बनाने जा रहे हैं इसका। ए पार्ट में जी एन इक्वल टू वन है, जी एन की वैल्यू वन दे रखा है, जी एन वन दे रखा है, तो जी एन माइनस वन क्या होगा आपका, वन ही होगा। राइट साइड में वन है, वन एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू में एन की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो सेम ही रहेगा, बदलेगा तो इसकी वैल्यू वाई एन में पुट कर दें तो वाई एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स एन इंटू वन प्लस वन, मतलब ये हो गया वाई एन इक्वल टू टू एक्स एन, वाई एन इक्वल टू टू एक्स एन। ये सिस्टम आ गया हमारे पास, इनपुट आउटपुट का रिलेशन आ गया, वाई एन आउटपुट इनपुट का डबल होके आ रहा है। तो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट हम कैसे चेक करते हैं, इसी सिस्टम में एक्स वन एन इनपुट देने पे अगर आउटपुट वाई वन एन आ रहा है, ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्स वन एन इनपुट देने पे आउटपुट वाई वन एन आ रहा है, तो सेकेंड इनपुट हम इनपुट में अगर एन नॉट की सेटिंग करते हैं तो आउटपुट में भी एन नॉट की शिफ्टिंग हो जाना चाहिए। इनपुट में हम एन नॉट की शिफ्टिंग करके देंगे, ये आपका सेकेंड इनपुट है, तो जो सेकेंड आउटपुट आए वो फर्स्ट आउटपुट में एन नॉट की शिफ्टिंग हो गया है। अगर ऐसा आता है तो हम बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। तो यहां से हम वाई वन एन फाइंड करेंगे, तो वाई वन एन इक्वल टू टू एक्स वन एन आएगा, लेट करें एक्स टू एन इक्वल टू एक्स वन एन माइनस एन नॉट, सेकेंड इनपुट हम फर्स्ट इनपुट में एन माइनस एन नॉट की शिफ्टिंग करके दे रहे, देन वाई टू एन आपका हो जाएगा टू एक्स टू एन, और एक्स टू एन की वैल्यू जो लेट किए थे इससे हम पुट करेंगे एक्स टू एन की वैल्यू इसमें, ये बन जाएगा टू एक्स वन एन माइनस एन नॉट, टू एक्स वन एन माइनस एन नॉट बन जाएगा। और ये चेक करेंगे कि वाई वन एन माइनस एन नॉट के बराबर है या नहीं। यहां से अगर वाई वन एन माइनस एन नॉट फाइंड करते हैं, वाई वन एन माइनस एन नॉट फाइंड करते हैं तो राइट साइड में भी एन माइनस एन नॉट हो जाएगा, इन दोनों को मैच करवाए तो देखेंगे कि इक्वल है, यहां भी 2x1 n माइनस n नॉट है, यहां भी 2x1 n माइनस n नॉट है, तो इक्वल है y1 n माइनस n नॉट के, तो सेकंड आउटपुट y1 n माइनस n नॉट के बराबर आ गया, हेंस इट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, और यही शो करने का रहा था तो अप्रूव्ड हो गया। तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम शो करने का रहा था, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट में हम जी एन की वैल्यू एन पुट करेंगे,
और शो करेंगे कि ये टाइम इनवेरिएंट नहीं है, इसमें ये शो करना है कि ये टाइम इनवेरिएंट नहीं है। तो एलएनजीओपीटी के एडवांस प्रॉब्लम भी आप लोग कर सकते हैं वन बाय वन, एक प्रॉब्लम करके करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है, आसानी से समझ में आएगी सारी चीजें, धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम को करेंगे। बी पार्ट देखते हैं इसका, जी एन इक्वल टू एन गिवन, आपको जी एन की वैल्यू पुट करनी है सिस्टम में और जी एन माइनस वन की वैल्यू पुट करनी है। तो जी एन एन है तो जी एन माइनस वन हमारा हो जाएगा, एन इज रिप्लेस बाई एन माइनस वन, एन माइनस वन हो जाएगा, पुट कर दे सिस्टम में फ्रॉम गिवन सिस्टम। y n इक्वल टू हो जाएगा x इनटू g n की वैल्यू हम n पुट कर रहे हैं और g n माइनस वन की वैल्यू जो n माइनस वन आया है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो a हो गया x n इनटू टू एन माइनस वन, मतलब y n इक्वल टू आ गया टू एन माइनस वन x n, ठीक है। अब इसे चेक करना है टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, इसे चेक करना है टाइम इनवेरिएंट है या नहीं। तो फर्स्ट आउटपुट निकाले वाई वन एन इक्वल टू हो जाएगा, एक्स वन एन इनपुट देंगे तो आउटपुट वाई वन एन आएगा, ठीक है। लेट कर ले एक्स टू एन इक्वल टू एक्स वन एन माइनस एन नॉट, ऐसा लेट कर लेते हैं। देन वाई टू एन इक्वल टू हो जाएगा, सेकेंड इनपुट देंगे तो सेकेंड आउटपुट आएगा, मतलब बाय टू एन इक्वल टू हो जाएगा टू एन माइनस वन एक्स टू एन, ठीक है, टू एन माइनस वन एक्स टू एन, एक्स टू एन की वैल्यू पुट कर दे, ये है ना एक्स टू एन की वैल्यू, इससे एक्स टू एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, टू एन माइनस वन एक्स वन एन माइनस एन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और चेक करना है कि ये y1 n माइनस n नॉट के इक्वल है, तो y1 n हमारे पास यहाँ है, यहाँ से जल्दी से y1 n माइनस n नॉट फाइंड करिए, n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस n नॉट, यहाँ से y1 n माइनस n नॉट फाइंड करिए, क्या आएगा, जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पे n माइनस n नॉट पुट करना पड़ेगा, x1 n माइनस n नॉट, और मैच कर पाइए इससे, सेम है क्या, x1 n माइनस n नॉट, x1 n माइनस n नॉट तो है, लेकिन यहाँ 2n माइनस 1 है और यहाँ 2n माइनस n नॉट माइनस 1 है, तो सेम नहीं है, हम ऐसा बोलेंगे कि इज नॉट इक्वल टू y1 n माइनस n नॉट, तो इनपुट में n नॉट शिफ्ट करने पे आउटपुट में n नॉट शिफ्ट होके नहीं आया, कुछ अलग आया, हैज इट इज नॉट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, नॉट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं, इट इज नॉट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। सी पार्ट देखें, ये प्रूफ करना था ना, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं है, प्रूफ हो गया हमारा, सी पार्ट देखे जा रहे हैं। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट है जी एन इक्वल टू वन प्लस जी एन इक्वल टू वन प्लस माइनस वन टू डी पावर एन, वन प्लस माइनस वन टू डी पावर एन है ना, तो माइनस वन टू डी पावर एन का बारे में जानते हैं, माइनस वन टू डी पावर एन की वैल्यू वन होती है जब एन इवन हो तो, और माइनस वन होती है जब एन इक्वल टू ऑड हो, माइनस वन इंटू माइनस वन इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन आएगा, ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन ये प्लस वन होगा, तीन बार करेंगे तो
माइनस वन टू पावर थ्री को खोलेंगे तो माइनस वन आएगा, चार बार करेंगे तो प्लस वन आएगा, पांच बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन को तो माइनस वन आएगा। तो इसको दो पार्ट में हमें लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू वन प्लस वन आएगी जब एन इक्वल टू इवन है तो, और इसकी वैल्यू वन माइनस वन आएगी जब एन इक्वल टू ऑड है तो। मतलब जी एन की वैल्यू अपने पास आई टू आई एन इक्वल टू इवन के लिए और जीरो आई एन इक्वल टू ऑड के लिए। तो यहां से जी एन प्लस वन की वैल्यू लिखेंगे, जी एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा जी एन प्लस वन भी निकालना पड़ेगा भी। जी एन प्लस वन हो जाएगा वन प्लस माइनस वन टू दी पावर एन प्लस वन। तो लगता है डायरेक्ट जी एन माइनस वन है ना, जी एन माइनस वन है, बहुत कुछ पीछे वाले में कुछ प्लस वन निकाल दिया, इससे ज्यादा फर्क तो उसमें कुछ पड़ेगा नहीं, एन था ना तो टू एन माइनस वन लिखे तो था टू एन माइनस वन, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, हमको तो लगता है एक साथ पुट कर देने पे भी है ना वैल्यू आ जा सकती है, इस तरह से अलग अलग सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। वाई एन की वैल्यू अगर हम पुट कर दें एक्स एन, जी एन की वैल्यू है वन प्लस माइनस वन टू डी पावर एन, वन प्लस माइनस वन टू डी पावर एन माइनस वन, इसको देख ले तो ये हो जाएगा एक्स एन माइनस वन टू डी पावर एन, वन प्लस वन टू हो गया, माइनस वन टू डी पावर एन डिवाइडेड बाई माइनस वन एक्स एन इंटू टू प्लस माइनस वन टू डी पावर एन माइनस माइनस वन टू डी पावर एन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ब्रेक भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर दिया वाई एन इक्वल टू टू एक्स एन आ गया। तो सेम एच वन आ गया ना, वाई एन इक्वल टू क्या आ गया टू एक्स एन, सेम एच आ गया ए पार्ट है ना, ए पार्ट में भी यही आया था ना वाई एन इक्वल टू टू एक्स एन आया था, ए पार्ट में भी वाई एन इक्वल टू टू एक्स एन आया था, यहां भी वाई एन इक्वल टू टू एक्स एन आ गया। तो ये कैसा होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, ए पार्ट में हमने प्रूव किया था ना टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया, इस तरह से ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इवन ऑड का चक्कर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं कितने आसानी से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई और एडवांस प्रॉब्लम में से कोई और अच्छा सा प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके सामने, उसका आसान तरीके से सिंपल तरीके से मैं सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई तरीका नहीं यूज करूंगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो कि समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंसर जा रहा है, कोई बाउंसर नहीं जाएगा, जो भी होगा एकदम सिंपल तरीके से वो आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।